हेलो गाइस, तो आज फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ एक हमारे गांव का भूतिया महल, जो लगभग 100 से 125 साल पुराना है और 20-25 साल से बंद पड़ा हुआ है। और इसमें ना कोई अब रहता, क्योंकि ये पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, पूरा डैमेज हो गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक कभी भी कोई किसी भी भूकंप में यह गिर सकता है। तो आप देख सकते हैं पीछे का, हमारे पीछे का नज़ारा कितना खतरनाक है, डरावना है। इसी वजह से ये इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई इसमें रहता भी नहीं है, कब गिर जाए पता नहीं। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये दरार जो पड़ा हुआ है, ये सब इसी तरह पूरा बिल्डिंग चनक चुका है। तो दिखाता हूँ नज़ारा, तो ये है बाहर का नज़ारा, यहाँ से अंदर घर की हो गया है। ठीक है, आइए मैं शुरुआत करता हूँ इस ब्लॉग का। चलिए चलते हैं इस बिल्डिंग में। ये देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह कभी भी ये बिल्डिंग ढह सकता है। ये तो खतरे से खाली नहीं है, इस पर आके ब्लॉग बनाना, ऊपर वाला बचाए। ये सुरंग, हे इधर ही रहो, ये पूरा इधर जाने में तो फिलहाल डर लग रहा है, क्योंकि पूरी तरह से ये डैमेज बना पड़ा है। इसको खोलते हैं, ये देख लीजिए इधर अभी कोई रहता नहीं है, हर तरह से टूट गया। और ये एक तरह से भूतिया महल की तरह माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो लोग रहते थे पहले, उसमें से कुछ जो है अब इस दुनिया में भी नहीं है। वो किसी और रीज़न की वजह से, ऐसा नहीं है कि लोगों का मानना है कि जो लोग अब जो पहले इस बिल्डिंग में रहते थे और अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं, तो उन्हीं की आत्मा इस पूरे बिल्डिंग को कब्जा कर चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। देख सकते हैं ये सब रूम है, ये हो गया। और अब हम लोग चलेंगे इसके भी ऊपर, तो ये देख लीजिए यहाँ से फिर आपको सारा नज़ारा क्लियर क्लियर दिखेगा। अब देख यहाँ से सारा नज़ारा आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ से सब कुछ। ये हमारे गांव का मीनार, हमारे गांव की मस्जिद का, ये मस्जिद का मीनार है, बड़ी मस्जिद का एक मीनार इस साइड है और एक मीनार आप इस साइड देख सकते हैं। ये रहा, और ये हमारे गांव का मदरसा है, मदरसा रहमानिया सुपौल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे देश विदेश में अपना नाम कर रहे हैं। और एक ये मदरसा हो गया, और ये एक हमारा जो स्कूल था, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, जिसको मैंने फर्स्ट ब्लॉक बनाया था, वो भी एक समय में इतना पॉपुलर था, बिरौल अनुमंडल का सबसे ज़्यादा ज्ञान देने वाला और सबसे ज़्यादा ही एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा ही पॉपुलर था। और उस 19वीं सदी का जो सबसे सक्सेसफुल स्कूल माना जाता है, और वहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज देश विदेश में नाम ये कर रहे हैं अपना, बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे पद पर भी हैं। तो ये हो गया, और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और एक, और ये देखिए यहाँ से ये तो वही है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि नदी भी बह रही है, बहुत डरावना मंजर है। चलिए तो फिर से हम लोग नीचे चलते हैं वीडियो में, और आपको एक रूम दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें लोगों का मानना है कि ये भूत वाला रूम है। तो आइए दिखाते हैं,
अगर ये रूम खुल जाए तो अंदर से ये रूम अंदर, और ये लास्ट नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये भी एक रूम है, डरावना तो वही सबसे झूठी है, देख सकते हैं किसी ने अंदर से हाथ भरा है, मोबाइल खींच लिया तो वो भी बहुत ही डरावनी बात हो जाएगी। तो ये इस बिल्डिंग का पूरा नज़ारा मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना। दिन में तो अभी हम लोग आ जा रहे हैं, रात में लेकिन बहुत ज़्यादा ही खौफनाक मंजर हो जाता है इस बिल्डिंग का। कभी कभी इसमें से रोने की आवाज़ आती है, कभी चिल्लाने की, कभी कोई हंसता रहता है। ये बहुत सारा पर कहानी भी बन चुका है, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं इस बिल्डिंग को लेके। इसी वजह से यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ नहीं रहने का दो ही कारण है। एक तो ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है, ये देख सकते हैं पूरी तरह से बिल्डिंग ढह चुका है, और पूरा है जहाँ आप यहाँ ये इस दीवार को यहाँ पे देख लीजिए, हर तरह जिधर आप देखिएगा उधर दीवार पे पूरी तरह दरार बना हुआ, कभी भी गिर सकता है। और दूसरा रीज़न कि ये भूतिया है।